मुंबई से सटे मीरा रोड में स्थित मानव आरोग्य सेवा केंद्र का उद्घाटन विधायक नरेंद्र मेहता और मेयर डिंपल मेहता के हाथों संपन्न हुआ। इस हॉस्पिटल का उद्देश्य यह है कि लोगों का कम से कम पैसे में इलाज हो सके। इस खास मौके पर हॉस्पिटल की पूरी टीम मौजूद थी। तो वहीं हॉस्पिटल के डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र जैन है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर इन लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। इसमें है मानव आरोग्य सेवा केंद्र, ये एमएम मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित एक कम ही बहुत ही कम रेट्स में डायग्नोस्टिक सुविधा एवं ऑपरेशन थिएटर एवं रोग ट्रीटमेंट सेंटर्स स्थापित कर रहे हैं हम, जो गरीबों के लिए बहुत अनुकूलता साबित होगी मीरा रोड और भाईंदर में। मेनली हमारा उद्देश्य रहेगा कि गरीब और कमजोर पेशेंट्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुविधा के लिए लाइन लगानी पड़ती है, वैसे लोगों को यहाँ पे हम लोग बिल्कुल निशुल्क या कम से कम रेट में सुविधा उपलब्ध करवा के देंगे। सर किस तरह के ट्रीटमेंट होंगे यहाँ पे? यहाँ पे सभी प्रकार के रोगों का उपचार होगा। ऑपरेशन थिएटर है हमारे पास में, तपासने के लिए पूरा ब्लड एक्सरे सोनोग्राफी टूडी एको कलर डॉपलर्स स्ट्रेस टेस्ट वगैरह वगैरह बहुत अनेक डायग्नोस्टिक सुविधा जो उपलब्ध है। नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स लगी हुई है, उसके दौरान जो डायग्नोस्टिक सुविधा उपलब्ध करके दी हुई है वो एकदम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सुविधा है, आधे भाव में उपलब्ध करके दी दी है यहाँ पे। जैसे सर आप तक पहुंचना हो तो किस जरिए से आप तक पहुंचेंगे जो जनता है? देखिए ऐसे कोई हमारे लिए कोई विशेष अपॉइंटमेंट्स की जरूरत नहीं होती है शुरुआत में। तो अभी जैसे जनता यहाँ पे आएगी उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम होगा। आगे जाके जब भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी तो अपन लोग अपॉइंटमेंट सिस्टम्स अवेलेबल करके देंगे। सर थोड़ा डिटेल बता सकते हैं क्या इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे, रोग के लिए क्या क्या इलाज होंगे यहाँ पे? देखिए जब भी डायग्नोस्टिक सेंटर की बात आती है तो खून टेस्ट, पेशाब टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशंस, एक्सरेज, सोनोग्राफी, कलर डॉपलर्स, टूडी एको, अनेक प्रोसीजर्स जहाँ पे सोनोग्राफी गाइडेड बायोप्सीज, इस तरीके की सारी सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी यहाँ पे। सर बात करें फीस की तो फीस क्या होगी? देखिए आप फीस की तो मैं हर एक डायग्नोस्टिक की आपको अभी उपलब्ध नहीं करवा पाऊंगा, बट इतना कह पाऊंगा कि मीरा रोड भाईंदर में जो भी फीस रहती है उसमें आधे से भी कम फीस यहाँ पे लगेगी। क्योंकि सर ऐसा होता ना कई बार लोग हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ के चार्ज, कई कई हॉस्पिटल में आप देखते होंगे, जब आप जाते होंगे स्वयं देखते होंगे सारी चीजें। नहीं हमारे पास में ऐसी सुविधा कर दी गई है, हमने हर चीज के एक एस्टिमेशन दिया गया है। पेशेंट को उपचार के पहले ही हम लोग एक एस्टिमेशन दे देते हैं कि भाई आपके इतने खर्चे होंगे। तो जब गरीब पेशेंट एस्टिमेशन ले लेता है तो उसके मन में कि भाई मेरा इतना ही खर्चा होने वाला है और ये सुविधा उनको उपलब्ध हो जाएगी उसी खर्चे में। कहा जाए तो अदर हॉस्पिटल से आपके हॉस्पिटल पे कम बजट, एकदम कम मींस आधा से भी कम आप कह सकते हैं। जी जी उस सुविधा मेनली हम चाहते हैं कि गरीब पेशेंट्स जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में अपनी सुविधा उपलब्ध करने में काफी तकलीफ पाते हैं, उस पेशेंट्स को हम यहाँ पे कैटर करेंगे। सर बात करें आपके गेस्ट की तो गेस्ट आपके कौन कौन से आए हैं, कुछ नाम डिटेल बताने चाहिए? हमारे पास में अभी नरेंद्र मेहता साहब आके गए, डिंपल मेहता मैडम आके गए, उनके हाथों में हम लोगों ने उद्घाटन करवाया सेंटर और हॉस्पिटल का। उसके अलावा भी काफी अनेक प्रोमिनेंट फंक्शनरीज आए थे, हमारे डॉक्टर्स सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स आके गए अभी। तो सर और किस तरह के यहाँ पे जो पेशेंट आएंगे उनके लिए और कुछ? देखिए मेनली हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इक्विपमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो काफी कठिन सर्जरियां है जहाँ पे बाहर उस तरीके के ऑपरेशंस में लाखों रुपए लग जाते हैं, उस तरीके के ऑपरेशंस हम यहाँ पे 30-35 हज़ार मैक्सिमम खर्चे में करके उपलब्ध करके देंगे पेशेंट्स के लिए। और सियाम अवेलेबल है हमारे पास में, जो मीरा भाईंदर में काफी कम जगह पे इस तरह की सुविधा उपलब्ध है।
जी ये बात तो आप राइट कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कैमरे पे कैद है आपके अंदर की मशीनों का पूरा जो ब्यौरा है वो हमने अपने कैमरे पे ले लिया है। तो आप रियल कह रहे हैं सर कि अदर जगह से यहाँ पे आपका जो है किसी भी पेशेंट का हो उसका बजट कम आएगा, बहुत कम आएगा। और मशीन्स की जो स्टैंडर्ड है वो भी विदेशी मशीन्स लगी हुई है सब, और जो मशीन्स की स्टैंडर्ड्स आज के तारीख में विदेशों में सर्वश्रेष्ठ माने जाती है, उस तरह की मशीन हम लोगों ने यहाँ पे उपलब्ध करवाई है। और सर कुछ करना चाहेंगे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें कवर किया, और मेनली इस बात को आप गरीबों के तक पहुंचाइए ताकि उनको ज्यादा में ज्यादा सुविधा और फायदा मिल सर सके। एक बार दोबारा बताएंगे आप पूरा अपना एड्रेस यहाँ का बता दीजिए ताकि जो लोग नहीं आ पाते हो। सर ये जो मानव आरोग्य सेवा केंद्र है ये डायग्नोस्टिक्स और एडमिशन आईपीडी दोनों फैसिलिटीज उपलब्ध करवाती है, और ये जो सुविधा है पुराने पेट्रोल पंप के नज़दीक में उपस्थित है, वोडाफोन गैलरी के बिल्कुल बाजू में है, सीवर गार्डन एकदम सामने पड़ता है, और मेन मीरा भाईंदर का जो रास्ता है वही यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सोम राउत है, मैं यहाँ पे एमएम हॉस्पिटल में एज अ लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन ज्वाइन और अटैच्ड हूँ। एमएम हॉस्पिटल का जो सेटअप है ये एक चैरिटेबल सेटअप है, जहाँ पे हम कम खर्चे में अच्छे से अच्छा और अच्छे क्वालिटी का ऑपरेशन आपको प्रदान कर सकते हैं। तो मैं एज अ सर्जन यहाँ पे दूरबीन से अपेंडिक्स का ऑपरेशन, पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, इसी प्रकार के डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के ऑपरेशंस करते हैं, और उसी प्रकार से ओपन पद्धति से होने वाले भी सभी ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं, जैसे हर्निया, हाइड्रोसीन, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और हर्निया, बाकी पेट के सभी ऑपरेशन होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस सेटअप का लाभ उठाए और इस कंसेशनल रेट्स जो कि तकरीबन 50% से भी कम के है उसका लाभ उठाए, और आपके लिए वो फायदेकारक। सर जैसे आप तक पहुंचना हो तो किस जरिए से पहुंच सकते हैं लोग? हमारे तरफ अगर पहुंचना है तो यहाँ पे काउंटर पे अपॉइंटमेंट लेके हमारा जो निर्धारित समय रहता है शाम की ओपीडी में वहाँ पे मिला जा सकता है। और लोगों के लिए जो जनता है या जो लोग आएंगे यहाँ पे उनके लिए कुछ क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे? जैसे कि ब्लड टेस्ट है, से सोनोग्राफी है और ऑपरेशन, इन सभी इसमें कम से कम 40-50% की जो मार्केट में या जो बाकी हॉस्पिटलों में भाव चलता है उससे हमने कम रेट रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को फायदा हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मंगेश सुराशे है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और जो मानव आरोग्य सेवा केंद्र जो हमारा खुला है उसका और एमएम हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखता हूँ। सर ये मानव आरोग्य सेवा कहाँ पे खुला है? मानव आरोग्य सेवा केंद्र है मीरा भाईंदर रोड मेन हाईवे पे खुला है, वोडाफोन गैलरी के बाजू में और बेडरूम के बस। जी जी, और बात करें अब ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट किस तरह के यहाँ पे होंगे? यहाँ पे मानव आरोग्य सेवा केंद्र में हम सभी प्रकार के ट्रीटमेंट करने की सुविधा हमने यहाँ पे उपलब्ध की है, जैसे कि पैथोलॉजी है, एक्सरे है, सोनोग्राफी है, एक्सरे, 2D को, डॉक्टर कंसल्टेंट, ओपीडी, आईपीडी, हॉस्पिटल, आईसीयू, ओटी, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बात करें यहाँ पे चीफ गेस्ट, तो गेस्ट कौन कौन से आए थे आज के? हमारे चीफ गेस्ट थे माननीय अपने नरेंद्र मेहता साहब जो यहाँ के एमएलए हैं, बाद में डिंपल मेहता मैडम जो यहाँ की महापौर है, वो सुबह आके उन्होंने भी आके उद्घाटन करके देख के चले गए। अगर लोगों को आप तक जाना हो तो कैसे किस तरह आ पाएंगे? हमने अभी एडवर्टाइजमेंट के लिए इसे पैम्पलेट्स तो हमने किए हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी चालू है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी हम मिले हैं और उनके थ्रू पेशेंट को तक हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं जो नीडी पेशेंट है जिसको जरूरत है आज के तारीख में। अच्छा, यहाँ लेडीजों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? लेडीजों के लिए 2 गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग ने डॉक्टर रखे हैं, डॉक्टर शिप्रा त्यागी, डॉक्टर अरुणा, जो मॉर्निंग इवनिंग शाम दोनों टाइम आते हैं। और यहाँ पे बच्चों का भी ट्रीटमेंट होगा कुछ? पीडियाट्रिशियन भी हमारे पास राहुल शुक्ला करके डॉक्टर है, वो भी अपने पास अवेलेबल है। यानी अगर कहा जाए तो यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सारे कंसल्टेंट सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स अपने पास अवेलेबल है, वो भी चैरिटेबल रेट में। चैरिटेबल इसलिए होगा कि बाहर के जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स है, हमारे मीन्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसके, वो हॉस्पिटल के
हमारा हॉस्पिटल जो भी है वो एकदम कम से कम रेट में हम लोगों की जनता को ये सुविधा उपलब्ध करके देने की कोशिश करने वाले हैं और करेंगे। हमारे चार्जेस भी मिनिमम जो डॉक्टर बाहर 500-800 रुपये लेते हैं कंसल्टिंग चार्ज, यहाँ पे हम लोग से बहुत 150 रुपया 200 रुपया ही रखा है। मानव आरोग्य सेवा केंद्र जो डॉक्टर नरेंद्र जैन जो हमारे ओनर हैं उन्होंने चालू किया है, उनका उद्देश्य यही है कि जो गोर गरीब लोग हैं, जो जिनके पास पैसा है वो तो बाहर ट्रीटमेंट आज की तारीख में कर रहे हैं, बट जिनके पास नहीं है वो कहाँ पे जाए। वो बेन से हॉस्पिटल में जा रहे तो वहाँ पे लंबी से लंबी लाइनें हैं और उनको तारीख मिल पा रही है, तो उनके लिए वो भी वहाँ पे परेशान है। इसलिए हमने मानव आरोग्य सेवा केंद्र इसलिए यहाँ पे खोला है कि वो सारे लोगों को हम लोग यहाँ पे रीजनेबल रेट में, चैरिटेबल रेट में सेवा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम जीवन सोलंकी है। इस MM ब्रांच में मैं एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एज एक्सरे टेक्नीशियन। आज यहाँ पे आए मानव आरोग्य सेवा में, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? मानव आरोग्य सेवा केंद्र के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जो ये संस्था यहाँ पर खोली गई है, ये हमारे पहले से ही ऑलरेडी 15 साल से बोरीवली में, जिसके मालिक डॉक्टर नरेंद्र जैन है, उनके ऑलरेडी 4 हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक सेंटर बोरीवली में दहिसर में चलते हैं। लेकिन उनका विचार था कि गरीब लोगों के लिए कुछ सुविधा की जाए, इसलिए उन्होंने मानव आरोग्य सेवा केंद्र के नाम की संस्था MM हॉस्पिटल के थ्रू खोली गई यहाँ पर मीरा रोड में। और इस संस्था में यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पर एक्सरे, खून जांच, सोनोग्राफी, 2D को, TMT हॉस्पिटल में एडमिशन, छोटे मोटे ऑपरेशन, टोटल यहाँ पर सुविधा जो गरीब जनता के लिए आधे रेट में होगी। अगर बाहर के हॉस्पिटलों की अगर उनका अमाउंट देखा जाए तो उसके मुकाबले काफी कम रेट में यहाँ पे सुविधा लोगों को उपलब्ध होगी मीरा भाईंदर में। जीवन सर, जैसे आप कई अच्छे काम करते आ रहे हैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कई अपने अच्छे काम किए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा? नहीं, मैं तो पहले से सोशल वर्कर हूँ और इस MM में एक काम करते हुए भी हमारे जो ओनर डॉक्टर नरेंद्र जैन साहब है, उनकी भी एक विचार है कि गरीब लोगों की कुछ सुविधा की जाए, तो हम उनके साथ मिलकर इस जो सोच है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ